नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्वाति पाल, कंसल्टेंट फिजिशियन एट वी क्लिनिक कानपुर। मैं आप लोगों से अपने एक पेशेंट का केस डिस्कस करना चाहती हूं, जिनका नाम है मसूद खान। इनकी समस्या ये थी कि ये जब भी फ्रेश होने के लिए जाते थे तो इनके अंदर से मस्से बाहर आ जाते थे। इसके साथ साथ इनको दर्द, जलन, चुभन की शिकायत थी। रेक्टम एरिया में इनको कट भी लग जाता था। इसके साथ साथ ये फ्रेश भी नहीं हो पाते थे। फ्रेश होने के लिए दिन में लगभग 3 से 4 बार जाना पड़ता था। ये इस समस्या से लगभग 2 साल से परेशान थे। ऑनलाइन माध्यम के जरिए इन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया और दवाइयाँ ली। 3 महीने के उपरांत ये आज पूर्ण रूप से ठीक हो गए। आइए सुनते हैं इनका फीडबैक। हेलो हेलो जी, मसूद खान जी से बात हो रही है? हाँ बोलो। नमस्कार सर, वी क्लिनिक कानपुर से बात कर रहा हूँ। आपकी मेडिसिन चल रही थी? नहीं, एकदम आराम है, सब हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अभी मेडिसिन खत्म हो गया, आपको आराम मिल चुका है पूरी तरीके से? हाँ पूरी तरीके से। अच्छा सर, हमारे यहाँ से आपके पास टाइम टू टाइम कॉल जाता था वीकली, और डॉक्टर से बात हो पाती थी? हाँ होता था ना सर। चलिए सर, कोई दिक्कत हो, सर परेशानी हो, सर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है सर? ओके सर, धन्यवाद। यदि आपको पाइल्स फिशर फिशुला जैसी बीमारी से संबंधित कोई भी परेशानी हो रही है, जैसे कि लैटरन के साथ ब्लड का आना, लैटरन के दौरान आपके मस्से का अंदर से बाहर आ जाना, या फिर इसके साथ साथ दर्द, जलन, चुभन का बने रहना, रेक्टम एरिया से आपके पस का डिस्चार्ज होना, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमसे उचित परामर्श ले सकते हैं।